हमारा जो अगला चर्चा का विषय है ये है महासागरों का तापमान। बच्चों, जैसे हम स्थलखंड के तापमान की बात करते हैं, वैसे ही महासागरों में भी तापमान महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है। और महासागरों में भी तापमान या ऊर्जा का जो प्रमुख साधन है ये सूर्य है। सूर्य की किरणों से महासागरों का तापमान घटता बढ़ता रहता है। इन तापमान की यदि हम स्थिति को देखें तो महासागरों में जो तापमान की विविध दशाएं हैं ये उस क्षेत्र में पहुंचने वाली सूर्य की किरणें, उस क्षेत्र में चलने वाली हवाएं, ये सभी बातों से प्रभावित होती है। तापमान कहीं बढ़ता है और कहीं घटता है। तापमान यदि किसी क्षेत्र में बढ़ रहा है, महासागर यदि गर्म हो रहा है, तो उसके पीछे में दो बातें होती है। एक तो सूर्य की जो किरणें जो आती है उसका विकिरण का अवशोषण महासागर करता है और अपने तापमान को गर्म करता है। और दूसरा जो स्वरूप हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है, आंतरिक भाग जो होता है, उसके कारण भी महासागर के तापमान में वृद्धि हो सकती है। लेकिन कई बार महासागरों के तापमान में कमी भी देखने को मिलती है। तो जहाँ अवशोषण से तापमान बढ़ता है, वहीं विकिरण से तापमान में कमी आती है। इसके अलावा संवहन के माध्यम से भी तापमान घटता है और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये भी महासागर के तापमान को कम करती है। तो इस प्रकार से तापमान एक ओर बढ़ता है तो एक तरफ घटता भी है। तापमान समुद्र का कई बातों से प्रभावित होता है। ये कौन कौन से कारक है, ये कौन कौन से तथ्य हैं, तत्व है जो समुद्र के तापमान को प्रभावित करते हैं? तो इसमें सबसे पहला है अक्षांश। अक्षांश तो आप समझते हैं बच्चों, मुख्य अक्षांश, भूमध्य रेखा, शून्यांश। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है और इसलिए भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है, पर भूमध्य रेखा पर नहीं, उससे कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण में। भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तापमान हो जाने से वाष्पीकरण होता है और मेघ छा जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा उत्तर की ओर जाएंगे, थोड़ा दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ तापमान में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा के पास सामान्य रूप से जो तापमान है ये 26 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में क्रमशः कमी आती है। मध्य अक्षांश में तापमान 20 से 22 डिग्री तक होता है और ध्रुवों की ओर जाने पर यह क्रमशः कम होने लगता है। दूसरा जो कारक है यह है प्रचलित पवने या स्थानीय हवाएं। जिस क्षेत्र में जिन हवाओं का प्रवाह होता है वो हवाएं तापमान को प्रभावित करती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास में कौन सी हवा चलती है? व्यापारिक। ये जो व्यापारिक हवाएं हैं, जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ तापमान कम होता है, लेकिन जिस दिशा की ओर ये बढ़ रही है, किससे किस दिशा में जाती है बच्चों? व्यापारिक हवाओं का प्रवाह क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो पूर्वी भाग में तापमान कम होता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाते जाते इसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से
मध्य अक्षांशों में चलने वाली जो पछुआ हवाएं हैं, ये हवाएं भी जहाँ से उत्पन्न होती वहाँ कम तापमान होता है, और जिस तरफ पश्चिम की ओर ये आती है तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है। तो ये तापमान का प्रभाव वहाँ पर बहने वाली हवाओं से भी जाना जाता है। तीसरा जो है महासागरीय जल धाराएं। ये जल धाराएं क्या है बच्चों, अपने जल धाराओं को नहीं जाना होगा। जिस प्रकार से धरातल पर नदियां एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से महासागरों के तटों के पास भी नदी के समान निश्चित दिशा की ओर बहने वाली धाराएं होती हैं, इन्हें हम जलधाराएं कहते हैं। ये धाराएं जहाँ से उत्पन्न होती है, गर्म क्षेत्र से उत्पन्न होती तो इसका स्वभाव गर्म होता है, ठंडे क्षेत्र से उत्पन्न होती तो इनका स्वभाव ठंडा होता है। तो ऐसी गर्म और ठंडी जलधाराएं महासागरों के बीच में मध्यवर्ती भाग में तटों के पास में ये निरंतर चलती रहती है। तो जिस क्षेत्र से जो धाराएं प्रवाहित हो रही और जिस तरफ ये जा रही हैं, उस तरफ वहाँ के तापमान को कम या ज़्यादा करती है। उदाहरण के लिए जैसे क्यूराइल की जो ठंडी जलधारा है, ये देखिए ये एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, यहाँ उत्तर से ये धारा प्रवाहित हो करके नीचे की ओर आ रही है। चूँकि ये ठंडी जलधारा है तो लगभग एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर 50 अंश अक्षांश तक ये अपना प्रभाव डालती है और उस क्षेत्र में हिमांक जैसा तापमान हो जाता है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं जैसे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है, और ये जलधारा जिन क्षेत्रों से इन तटों से होकर के जाती है तो यहाँ पर ये उच्च भागों में भी, जो मैंने अभी न्यूफाउंडलैंड आपको बताया, यहाँ के तट से ये गर्म जलधारा टकरा करके यह धारा जो है यह पूर्व की ओर मुड़ती है। तो इस क्षेत्र में ये गर्म जलधारा टकराती है और उसके कारण इस क्षेत्र का जो तापमान है थोड़ा कम होता। अब वहाँ पर यदि हम देखते हैं कि उत्तरी भाग का प्रभाव या ध्रुवों का प्रभाव अधिक है, लेकिन इस गर्म जलधारा के कारण तापमान बढ़ जाता है और ये जलधारा ये आगे बढ़ती हुई यूरोप की तरफ चली जाती है। इसलिए यूरोप के जो क्षेत्र है, स्वीडन का क्षेत्र है या इंग्लैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर इस गर्म जलधारा के प्रभाव से यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमता और इस क्षेत्र में वर्ष भर यातायात खुला रहता है। तो ये जलधाराओं का प्रभाव और उससे तापमान पर पड़ने वाला प्रभाव है। तीसरा जो क्षेत्र है समीपवर्ती स्थल खंड का प्रभाव। उस क्षेत्र के आसपास में कौन से स्थल खंड विकसित है, यदि ये स्थल खंड मैदानी है तो तापमान अपेक्षाकृत वहाँ पर अधिक होगा, लेकिन ऊंचे पर्वतीय भाग है तो तापमान कम होता है। चौथा जो है उस क्षेत्र में, महासागर के क्षेत्र में पाया जाने वाला खारापन, इसको हम लवणता कहते हैं। जहाँ लवणता अधिक होगी वहाँ तापमान अधिक होगा और जहाँ लवणता कम है तापमान कम होता है। इसके अलावा जो प्लावी हिमशैल, आइस फ्लोट या आइस बर्ग की जो स्थिति होती है, ये भी उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। तो ये तापमान इन तत्वों से प्रभावित है। अब हम देखेंगे विश्व में महासागरीय क्षेत्र में तापमान का वितरण कैसा है। बच्चों मैंने अभी बताया था कि तापमान के वितरण जो होता है, यदि हम इसका क्षैतिजिक वितरण यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देखें तो भूमध्य रेखा के पास 26 डिग्री तापमान है,
जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पे तापमान ध्रुवों के पास कितना है, 0°। वैसे ही तापमान जो है मध्य अक्षांशों में अधिक क्रमशः भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, यहाँ पर 20 से 23° तापमान होता है, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं तापमान में तेज़ी से गिरावट आती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम होता है। इसका कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग अधिक है और ये तापमान को बढ़ाता है। इसी प्रकार से जो तापमान की स्थिति है, यदि हम महासागर का औसत तापमान देखते हैं तो औसत तापमान लगभग 17.2 है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में यह तापमान 19° से अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में यह तापमान 16° के आसपास पाया जाता है। तो तापमान के ये जो घटने बढ़ने की स्थिति है ये स्थलखंड से भी प्रभावित है। एक ऐसा भी आकलन किया गया है कि समुद्र का जो तापमान है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर प्रति अक्षांश तापमान में 0.5° की गिरावट देखने को मिलती है। तो ये तो तापमान का क्षैतिजिक वितरण हुआ। तापमान का यदि खड़ा या ऊर्ध्वाधर वितरण देखें तो समुद्र का जो ऊपरी सतह है यहाँ पे तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे हम सतह से नीचे की ओर आते हैं, लगभग 100 मीटर की गहराई तक तो तापमान अधिक देखने को मिलता है, लेकिन उससे नीचे जाने पर लगभग 200 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो तापमान में तेज़ी से गिरावट आने लगती है। और एक अध्ययन के अनुसार लगभग 1800 मीटर की गहराई पर यदि हम जाते हैं तो तापमान 2° तक पहुंच जाता है, और भी गहराई पर लगभग 4000 मीटर की गहराई पर जाए तो तापमान की जो स्थिति है 1.6° होती है। लेकिन बच्चों, समुद्र के भीतर का तापमान कम जरूर होता है पर हिमांक से नीचे नहीं जाता। उसका कारण क्या है, पृथ्वी अंदर से गर्म है और वो भी तापमान को बढ़ाने का प्रयास करती है भीतर के तापमान को। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर तापमान की जो प्रवृत्ति है वो घटने की होती है। तापमान के जो घटने की प्रवृत्ति होती वो गहराई में भी तापमान में विलोमता देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ये नदियाँ यहाँ पर बहुत अधिक ठंडा जल ला करके डाल रही, लेकिन इस सतह का जल जब हटा लें तो उसके नीचे अधिक तापमान देखने को मिलता है। उच्चतर तापमान भूमध्य रेखा के ऊपरी सतह के नीचे के तल में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ध्रुवों के क्षेत्र में हिम के पिघलने से कहीं कहीं पर जब हिम पिघल करके कुछ दक्षिण की ओर आता है तो वहाँ पर गर्म और ठंडे जल का संयोग होता है, तो वहाँ पर भी तापमान ध्रुवों की तुलना में कुछ अधिक होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैसे तापमान में निरंतर कमी आती है तो ये संभवतया ध्रुवों के पास में जब हिमपिंड या हिमशैल पिघलते हैं तो उसके कारण भी गर्म और ठंडा जल मिल जाता है, तो कुछ नीचे की ओर आने पर तापमान थोड़ा सा बढ़ता है। इसी प्रकार से जो भूभाग स्थल से घिरे होते हैं वहाँ तापमान अधिक होता है, जैसे लाल सागर। यहाँ पर यदि हम
350 मीटर की गहराई पर भी देखें तो तापमान 21 डिग्री तक रहता है। तो ये अधिक तापमान होने का कारण यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र में स्थल से चारों तरफ से भाग घिरा है, नदियों से स्वच्छ पानी भी यहाँ नहीं मिल रहा, इसलिए निरंतर इस क्षेत्र में तापमान बढ़ता है। लेकिन इसी हिंद महासागर को यदि हम कुछ दक्षिण की ओर आकर के जब इसका अध्ययन करते हैं खुले क्षेत्र में, तो यहाँ पर तापमान जो है इस गहराई में 2 डिग्री तक पाया जाता है। इसी प्रकार से जो तापमान उच्च अक्षांशों पर हम देखें तो कुछ जो आंतरिक सागर हैं ये सागर कम तापमान वाले होते हैं। इसका जो कारण है, स्थल से यद्यपि ये घिरे होते हैं लेकिन अक्षांशीय प्रभाव उच्च अक्षांश में जाने से तापमान में जो घटता क्रम है उसके प्रभाव से उन क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। बच्चों, अब हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये है महासागरों में लवणता या समुद्र का खारापन। खारापन, बच्चों आपने समुद्र का पानी कभी पी के देखा होगा तो मुंह में रख नहीं सकते, इतना खारा होता है। यही जो खारापन समुद्र की लवणता कहलाता है। समुद्र की लवणता ये जब से महासागर बने हैं तब से समुद्र का पानी खारा ही है, और उसके अलावा जो अपरदन के विभिन्न कारक है ये बहुत सारा पदार्थ समुद्र में लाकर के जमा कर देते हैं। उसके कारण समुद्र के जल का जो खारापन है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। समुद्र का जल कितना खारा होगा इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1 घन किलोमीटर, घन किलोमीटर किसे कहेंगे, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर गहरा। इस क्षेत्र के समुद्र, ये जो समुद्र है उसके यदि हम पानी के खारेपन को देखें तो ये पानी का जो खारापन है 4.1 करोड़ टन है ये खारापन। तो आप सोच सकते हैं कि समुद्र का पानी कितना खारा होगा। यदि समुद्र के पूरे नमक को निकाल करके हम पूरे धरातल पर फैला दें तो लगभग 150 मीटर ऊंची परत नमक की जमा हो जाएगी। आप सोच सकते हैं बच्चों कि कितना समुद्र में खारापन भरा हुआ है। समुद्र का जो खारापन है इसको नापने के लिए प्रति हजार नापा जाता है ये खारापन। प्रति हजार का तात्पर्य क्या है, प्रति हजार में 35 हिस्सा जो होता है ये खारापन का होता है। अर्थात यदि हम 1 किलो समुद्र का जल ले लें तो उसमें 35 ग्राम नमक होगा। तो इस प्रकार से इतना अधिक नमक समुद्र में मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में जो पाए गए नमक या लवण है इसकी संख्या लगभग 47 है, 47। कुछ प्रमुख लवणों को आप यहाँ सारणी पर देख सकते हैं। ये जो लवण है ये समुद्र में यद्यपि इनकी मात्रा में भिन्नता हो सकती, कहीं पर अधिक खारापन है कहीं पर कम खारापन है, लेकिन इन लवणों का जो अनुपात है वह एक ही है। सभी जगह खारेपन का जो अनुपातिक स्थिति है वह एक जैसी है। समुद्र में खारापन का महत्व क्यों है,
कभी हमने इस बात की ओर ध्यान दिया है? देखिए, खारापन जो है वो संपीड़नात्मक स्थिति निर्मित करता है, पानी के घनत्व को बढ़ाता है, सूर्य के ताप का अवशोषण करता है, उसके साथ ही वाष्पीकरण और आर्द्रता का निर्धारण करता है। तो ये सब समुद्र में खारापन का महत्व है। यदि खारापन नहीं होता तो इन चीज़ों का प्रभाव कुछ और ही होता। खारापन की मात्रा कितनी है ये जल की बनावट को निर्धारित करती है। जल का संचरण, जल के प्रवाह की जो दिशा है उसको निर्धारित करती है। और खारेपन की मात्रा ही जीवों का विकास, जो समुद्री भागों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, इनके विकास की स्थिति को भी यही खारापन निर्धारित करता है। तो ये समुद्र में जो खारापन पाया जाता है ये भी कुछ तत्वों पर निर्भर करता है, कुछ कारक है जो इस खारापन की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। इसमें सबसे पहला जो है ये है, देखिए, स्वच्छ जल की पूर्ति। स्वच्छ जल समुद्रों में कहाँ से मिलता है? एक तो बरसात का जल और दूसरा नदियों का पानी। जिस भाग में अधिक वर्षा होगी या बड़ी बड़ी नदियाँ जिस क्षेत्र में प्रवाहित होकर के समुद्र में ज़्यादा पानी ला करके डाल रही है, उस क्षेत्र में खारापन कम होगा। लेकिन जिस भाग में नदियों का अभाव है, बरसात भी कम होती है, जैसे कि मध्य अक्षांश, यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा और उसके ऊपर की यदि स्थिति को हम देखें तो यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, नदियों का जल कम है, तो खारापन जो है ये अधिक पाया जाता है। दूसरा जो है वाष्पीकरण की मात्रा। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ खारापन अधिक होगा, क्योंकि शुद्ध जल का वाष्पीकरण हो जाता है। जहाँ वाष्पीकरण कम हो रहा है उस क्षेत्र में खारापन अपेक्षाकृत कम होगा। तीसरा जो है जल धाराएं। जल धाराएं कैसे प्रभावित करती है? जिस क्षेत्र में जल धाराएं उत्पन्न होती है वहाँ पर खारेपन की स्थिति क्या है और वो जल धाराएं किस दिशा की ओर जा रही है। जिधर जा रही है, यदि खारापन वहाँ कम है तो जहाँ जा रही वहाँ के समुद्र में कम खारा पानी को ले जा कर के मिलाती है, वहाँ का खारापन कम करती है। लेकिन जिस क्षेत्र में खारापन अधिक है वहाँ की जलधाराएँ दूसरे क्षेत्र में जाती तो अधिक खारे जल को ले जा कर के मिलाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों तत्व जो है, कौन कौन से? स्वच्छ जल, वाष्पीकरण और जलधाराएँ, ये तीनों तत्व मिल कर के या अलग अलग रूप में समुद्र की लवणता को प्रभावित करते हैं। लवणता का भी यदि हम वितरण देखें तो क्षैतिजिक वितरण यदि हम लवणता का देखें तो भूमध्य रेखा के पास लवणता अपेक्षाकृत कम होती है। मैंने कारण बताया, यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? अमेजान, कांगो जायरे, ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं विश्व की। इसके अलावा यहाँ पर हमेशा बारिश होने के कारण कई छोटी छोटी नदियाँ आ करके समुद्र में अपना जल डालती है। इसके अलावा बहुत अधिक बारिश होने से भी, निरंतर रोज यहाँ बारिश हो रही है, तो अधिक बारिश होने के कारण स्वच्छ जल इस भूभाग के साथ महासागरों को भी मिलता है। और यही कारण है कि यहाँ पर खारापन की स्थिति अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ पर खारापन कितना है? 35 ग्राम खारापन यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा
जो क्षेत्र है यह है मध्य अक्षांश का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके पास के यदि हम क्षेत्र को देखें तो इस क्षेत्र में खारापन कुछ अधिक है। उसका कारण स्वच्छ जल यानि नदियाँ अपेक्षाकृत कम है, वर्षा कम होती है तो नदियों में जल की मात्रा कम होती है, धूप ज़्यादा तेज होती है तो वाष्पीकरण, खुला हवा है, खुला आसमान है, शुष्क हवाएं हैं, ये अधिक वाष्पीकरण करती हैं। और इन कारणों से इस क्षेत्र में जो खारेपन की मात्रा है ये अपेक्षाकृत अधिक है। कितना खारापन है? 37 ग्राम यहाँ पर खारापन देखा जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है ध्रुवों का क्षेत्र, बहुत कम तापमान है इसलिए वाष्पीकरण नहीं होता। वर्षा जो होती है ये बर्फ के रूप में, बहुत कम बारिश यद्यपि यहाँ पर होती है, और नदियाँ जो है ये भी जमी हुई है, इसलिए इस क्षेत्र में जो खारापन है ये बहुत कम है। 20 से 30 ग्राम खारापन यहाँ पर आका गया है। तो ये खारेपन का क्षैतिजिक वितरण हुआ। खारेपन की जो स्थिति है, जो आंशिक रूप से घिरे हुए सागर हैं, जो तीन तरफ से या उससे भी ज़्यादा क्षेत्र में स्थल से घिर जाते, कहीं थोड़ा सा क्षेत्र होता है सागर के जल के संचरण के लिए, तो ऐसे सागरों में खारेपन की स्थिति भिन्न होती है। जैसे लाल सागर को देखें, भूमध्य सागर को देखें, फारस की खाड़ी को देखें, तो इस क्षेत्र में खारापन अधिक है। यहाँ पे जो खारापन की स्थिति है ये 40 ग्राम, लगभग 37 से 41 तक हम कह सकते हैं यहाँ पर खारेपन की अधिकता पाई जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे लाल सागर नदियाँ यहाँ पर छोटी छोटी सी नदियाँ गिरती है, स्वच्छ जल का अभाव है, वाष्पीकरण यहाँ पर तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण तेज होता है, और इसलिए जल तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण खुले महासागरों से संचरण बहुत कम हो पाता है, इसलिए खारापन यहाँ पर अधिक है। उसी प्रकार से जो फारस की खाड़ी का क्षेत्र है, शुष्क वायु, अधिक वाष्पीकरण, उसके कारण इस क्षेत्र में नदियों का अभाव है तो वाष्पीकरण, लवणता की जो मात्रा है, खारेपन की मात्रा है, ये काफ़ी अधिक है। लेकिन हम काला सागर देख रहे बच्चों, काला सागर थोड़े से उच्च अक्षांश में है, इस काला सागर में खारापन कम है। यहाँ पर जो खारापन है इसके कमी का जो कारण है ये इस क्षेत्र में यहाँ पे तापमान कम है, वाष्पीकरण कम होता है, और बड़ी बड़ी नदियाँ, देखिए डेन्यूब और नीपर, डॉन, ये बड़ी नदियाँ इस क्षेत्र में अपना जल गिरा रही है। स्वच्छ जल अधिक मात्रा में मिल रहा है, तापमान कम है, वाष्पीकरण कम हो रहा है, इसलिए यहाँ खारापन जो है केवल 18 ग्राम तक आका गया है। इसी प्रकार से बाल्टिक सागर का जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान 11 ग्राम प्रति हजार आंका गया है, लेकिन इसी के पास में जो ये खाड़ी जो है बोथोनिया की खाड़ी, यहाँ तो खारापन बहुत ही कम है, 2 ग्राम इस क्षेत्र का खारापन आंका गया है। तो यहाँ पर क्यों खारापन कम है? तापमान कम है, हिम पिघल करके स्वच्छ जल की पूर्ति कर देते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में खारापन कम देखने को मिलता है।
इसके विपरीत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत अधिक खारापन यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे यूएसए का जो उटाह प्रांत है, यहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक है, खारेपन की झील, हम इसको कहते हैं खारे पानी की झील कहते हैं। यहाँ पर ताप जो खारापन है ये 220 ग्राम से भी अधिक है, प्रति हज़ार में 220 ग्राम से अधिक खारापन इस क्षेत्र में है। इसी प्रकार का जो उदाहरण है ये जॉर्डन का मृत सागर, नाम सुना होगा आपने, डेड सी, यह क्षेत्र भी बहुत अधिक खारापन से युक्त है। यहाँ खारापन प्रति हज़ार 238 ग्राम है। ऐसे ही कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे खारापन अपेक्षाकृत कम है। कितना कम है? यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण कम हो रहा है। कैस्पियन सागर आप देख रहे हैं थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है अक्षांशीय दृष्टि से, और यहाँ पर बड़ी नदियाँ जिसमें वोल्गा नदी और यूराल नदी आकर के इसमें गिर रही है, तो इस क्षेत्र के खारापन को कम कर देती है। इसलिए यहाँ पर जो खारापन है 14 से 17 ग्राम ही खारापन यहाँ पर पाया जाता है। सबसे अधिक जो खारापन का अध्ययन किया गया है यह है तुर्की की वान लेक का जो खारापन है ये प्रति हज़ार 330 ग्राम से अधिक खारापन है। इतना अधिक खारापन है, पानी का घनत्व इतना अधिक हो गया कि यहाँ पर मनुष्य डूब नहीं सकता। तो ये खारापन जो है उस क्षेत्र के घनत्व का निर्धारण करता है।